हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम व्यू टैब के अंदर शो एंड हाइड वाला ऑप्शन कर रहे हैं। मतलब आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके जो आप बना रहे हो डॉक्यूमेंट उसके ऊपर क्या कुछ शो करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे रूलर है, रूलर किस लिए होता है? जो रूलर बार, ये हमारा रूलर बार है जो कि हमें स्केल की तरह दिखता है। रूलर बार की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैसे? कि जैसे कि आपकी इमेज वगैरह लगाई हुई है या आपका कोई टेक्स्ट है, आप उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, मतलब उनकी इंडेंटेशन वगैरह सेट कर सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है या फोटो है या कोई टेबल है, आप अपने डॉक्यूमेंट पे कैसे या कहाँ कितने एरिया छोड़ के, कितने इंचज छोड़ के आप उसको शो करवाना चाहते हो, तो आप रूलर की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हो। रूलर आप अगर आपका विजिबल नहीं हो रहा तो आप व्यू टैब के अंदर आके रूलर को क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब शो हाइड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस में क्या होता है कि जो ये हमारे जैसे कि हम पेंट वगैरह करते हैं या कोई, मतलब ग्रिड लाइंस कब यूज होती है, जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर कोई ड्राइंग वगैरह या कुछ इमेज वगैरह ऐसी है तो उसके लिए इंसर्ट करने के लिए होता है कि आप मतलब हर इंच का पूरा ध्यान रखना चाहते हो कि मतलब मेरा प्रॉपर अलाइन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। जब भी कोई प्रिंट होता है तब कभी भी ग्रिड लाइंस वहां पे हमें प्रिंट आउट में नहीं शो होती। उसके बाद मैंने ग्रिड लाइंस को हमने हाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट मैप है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट मैप के अंदर जस्ट क्या होता है कि आपके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब उसका डॉक्यूमेंट का एक टाइप का मैप बना देगा। जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स है वो क्या करेगा, हेडिंग्स आपकी क्या कर देगा डॉक्यूमेंट मैप के अंदर शो कर देगा। आप डायरेक्टली किसी भी हेडिंग के ऊपर जंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट मैप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास थंबनेल्स। थंबनेल्स क्या होता है कि जो थंबनेल होती है कि जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या है इन्हें शॉर्ट मतलब छोटी सी फोटो बना के उसकी वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाने लग जाएगा। जैसे कि आपने पावर पॉइंट के अंदर देखा होगा कि आपकी जो स्लाइड्स हैं लेफ्ट साइड पे शो हो रही होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं थंबनेल्स बोलते हैं। आप क्विकली किसी भी पेज के ऊपर क्या है डायरेक्टली जंप कर सकते हो। इसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी पेज पर डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जूम। जूम की जो आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे हम हमारे जो जूम इन होता है जूम आउट होता है, यहाँ पे जो मिनिमम हमारा जूम मतलब परसेंटेज होती है वो हमारी 10% होती है, जो कि आपको स्टेटस जो हमारा यहाँ पे है इस बार पे भी मिल जाती है जूम की ऑप्शन, और आपको यहाँ पे व्यू टैब के अंदर भी जूम की ऑप्शन मिल जाती है। कई बार एग्जाम में आता है कि मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है एमएस वर्ड का, तो हमारा 10% जो मिनिमम जूम साइज होता है पेज का एमएस वर्ड के अंदर, और मैक्सिमम जो जूम साइज होता है 500% होता है एमएस वर्ड के अंदर किसी भी पेज का। और आप हम जो काम करते हैं हम 100% के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद क्या है बाय डिफॉल्ट हमें वन पेज डिस्प्ले होता है। अगर आप टू पेज देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो अपने टू पेजेस आपके एट ए टाइम आप क्या कर सकते हो देख सकते हो इसकी हेल्प से। उसके बाद क्या है अगर आप चाहते हो कि मैं पेज विड्थ वाइज देखना चाहती हूँ तो आप क्या अपना पेज विड्थ वाइज देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो हमें है हाइट वाइज पेज दिखता है मतलब पोर्ट्रेट हमें दिखता है विजिबल होता है, बट आप अगर विड्थ वाइज देखना चाहते हो अपना पेज तो आप क्या कर सकते हो विड्थ वाइज भी क्या कर सकते हो अपना पेज देख सकते हो। उसके बाद जो अगर आप डायरेक्टली 100% करना चाहते हो तो यहाँ से भी डायरेक्टली 100% कर सकते हो जो कि आपकी स्टेटस बार में भी है जूम की ऑप्शन, नहीं तो आप 100% यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका पेज 100% ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो किस लिए होती है, डुप्लीकेट विंडोज जनरेट करने के लिए यूज होती है न्यू विंडो। मैंने डुप्लीकेट विंडोज जनरेट कर ली। उसके बाद अरेंज क्या होता है, आपकी जितनी भी विंडोज खुली हुई है उन सभी को वो क्या कर देगा अरेंज कर देगा आपकी विंडोज को। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हमने अरेंज ऑल कर ली। उसके बाद मेरे पास जैसे विंडोज अरेंज है मैं उन विंडोज को साइड बाय साइड, जैसे कि बुक हम खोलते हैं मैं विंडोज को बुक की फॉर्म में देखना चाहती हूँ, तो व्यू साइड बाय साइड पे हम क्लिक कर देंगे। जब हम व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे आप देखोगे कि बुक की फॉर्म में हमें क्या विंडोज शो हो रही है। इसमें ऑप्शन होती है हमारी सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब होता है जब मैं एक वेबसाइट या सॉरी एक पेज मूव कर रही हूँ तो आप स्क्रॉल बार से आप देखोगे कि हमारी जो सेकेंड विंडो थी हमारी उसका भी क्या होता है पेज मूव हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इसको अनसेलेक्ट कर दोगे, डीएक्टिव कर दोगे और सॉरी जो हाँ अनसेलेक्ट कर दोगे। अब आप देखोगे कि मेरे को मेरा जहाँ कर्सर है मेरा वो पेज हमारा क्या हो रहा है अब स्क्रॉल हो रहा है, दूसरा पेज हमारा या दूसरी विंडो का पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। उसके बाद है जैसे हमने अरेंज ऑल पे क्लिक कर दिया, आप हमने फिर
अरेंज ऑल पे क्लिक कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने व्यू साइड बाई साइड यूज़ किया था मैं वही पोजिशन में देखना चाहती हूँ अपनी विंडोज़ को, तो मैं यहाँ पे फिर रीसेट विंडो पे क्लिक कर दूँगी। तो आप देखो कि हमारी विंडोज़ फिर से क्या हो चुकी है, रीसेट हो चुकी है। स्विच विंडो का यूज़ की होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्विच विंडो है, स्विच विंडो किस लिए यूज़ होती है, सपोज हमारी बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई है यहाँ पे एम एस वर्ड के अंदर, हम यहाँ पे डायरेक्टली या तो ऐसे क्या कर सकते हैं विंडोज़ पे स्विच कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो जो हमारी कंट्रोल और टैब की है उसका यूज़ करके स्विच कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे स्विच विंडो, जैसे कि यहाँ पे हम एक विंडो ओपन कर लेते हैं, अब हमारी वन विंडो ओपन है और मेरे पास अभी दो विंडोज़ हैं, मतलब एक तो डुप्लीकेट कॉपी है एक ओरिजिनल है। तो आप डायरेक्टली किस पेज पे जंप करना चाहते हो, किस विंडो पे जंप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्विच का मतलब होता है डायरेक्टली जंप करना। आपकी जितनी भी विंडोज़ खुली हुई है तो यहाँ पे आपकी सारी विंडोज़ शो होने लग जाएंगी। अभी हमारी दो विंडोज़ ओपन है तो हमें दो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, तो आप किस डॉक्यूमेंट पे या किस विंडो पे स्विच करना चाहते हो तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। उसके बाद आपकी ऑप्शन है स्प्लिट की। स्प्लिट क्या मतलब होता है, आप अपना पेज कितने पार्ट्स में क्या करना चाहते हो, विंडो को सॉरी आप कितनी पार्ट्स में अपनी विंडो को स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे मेरी पूरा ये पेज है, मैं उसके ऊपर वाले पार्ट में इनपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक देखना चाहती हूँ, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसमें हम आउटपुट डिवाइसेज वाला टॉपिक देखना चाहते हो। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हो। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी विंडो क्या है, नॉर्मल पोजिशन में हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।